नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्चुअल टेल्स हिंदी में। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। हनुमान जी को कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता कहा गया है। यही कारण है कि भगवान हनुमान जी के दुनिया भर में भक्त हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मंदिर के बारे में जिसकी मूर्तियां धरती से अपने आप प्रकट हुई थी। एक ऐसा मंदिर जो हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में स्थित है। जी हाँ, आपने सही सुना, पाकिस्तान में स्थित है दुनिया का सबसे पुराना हनुमान जी का मंदिर। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में वैसे तो मंदिरों की संख्या काफी कम है, और जो मंदिर वहां सुरक्षित बचे हैं उनमें से एक है पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। यह मंदिर पाकिस्तान के कराची शहर के सोल्जर बाजार में स्थित है। माना जाता है कि जिस जगह पर यह मंदिर है वहां से 11 मुट्ठी मिट्टी हटाने पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति प्रकट हुई थी। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की 11 परिक्रमा लगाने पर भक्तों की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। माना जाता है कि यह मंदिर करीबन 1500 साल पुराना है, जिसका 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण किया गया था। पंचमुखी हनुमान जी के इस मंदिर के विषय में एक और मान्यता प्रचलित है, जिसके अनुसार यह माना जाता है कि भगवान श्री राम जब इस स्थान पर आए थे तब उन्होंने यहां विश्राम किया था और इस स्थान पर बैठकर अपने परम भक्त हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, इसलिए उनके भक्त हनुमान जी ने यहां स्थापित होने का निर्णय लिया। रामायण में एक प्रसंग के अनुसार लंका युद्ध के समय जब रावण के भाई अहिरावण अपनी मायावी शक्तियों से स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण को मूर्छित कर पाताल लोक लेकर चला जाता है, जहां अहिरावण ने अपनी 5 दिशाओं में 5 दीपक जला रखे थे। उसे वरदान था कि जब तक कोई इन 5 दीपक को एक साथ नहीं बुझाएगा अहिरावण का वध नहीं हो सकता। अहिरावण को इसी माया की समाप्त करने के लिए हनुमान जी ने 5 दिशाओं में मुख किए हुए पंचमुखी हनुमान अवतार लिया और 5 दीपक को एक साथ बुझाकर अहिरावण का वध किया। इसके बाद ही भगवान श्री राम और लक्ष्मण उनके बंधन से मुक्त हुए थे। पंचमुखी हनुमान जी के 5 मुख 5 अलग अलग दिशाओं में हैं, जिसमें उनके वानर मुख, गरुड़ मुख, वराह मुख, नरसिंह मुख और अश्वमुख है।